नाना नानी किचन में आज हम आए भैया, ये राजाजीपुरम में और बड़ा फेमस है और अभी अभी नया नया ओपन हुआ है, लोग आते जाते रहते हैं। तो दोपहर का टाइम है तो मेरा कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा था, अच्छा कुछ खाने का मन कर रहा था, तो हम सोचे चलो चलते हैं नाना नानी के किचन में, देखते हैं ऐसा क्या है और बात करते हैं और इनसे पूछते हैं भाई कैसे ये कॉन्सेप्ट आया। नाम बड़ा अच्छा लग रहा है ना आपको भी? मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो चलो बात करते हैं इनसे, आ जाओ। हमें मिल गए नाना नानी किचन के ओनर, तो क्या नाम है सबसे पहले आपका? कार्तिकेय मिश्रा नाम। कार्तिकेय, तो ये कहाँ से आया आपको कॉन्सेप्ट? मैम ऐसे ही बस कुछ अपना स्टार्ट करना था, हाँ। उसके लिए सोचा कैफे स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे तो मेरा जॉब में प्रोफेशनल एज अ कोच काम करता हूँ। एज अ कोच है मतलब? हाँ। फिटनेस के फिटनेस लिए आप कोच हूँ मैं, लेकिन और उसके अलावा आप लोगों को इतना खिला रहे हैं, मोटा कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या है? बस ऐसे ही कि कुछ अलग से साइड में भी करते हैं, वो भी बिजनेस है, ये भी। तो कुछ हेल्दी वेल्दी है कि नहीं आपके पास? मैम हेल्दी नहीं है, फास्ट फूड है, चाइनीज है। देख लो भैया, फिटनेस होके और फिटनेस के कोच होके हमें फास्ट फूड खिला रहे हैं और बुला रहे हैं भाई खाओ आके। तो नाना नानी किचन मतलब नानी और नाना तो है कि आप पहले खाइए, हाँ। बढ़ा लीजिए फिर हम कम करा देंगे। हाँ, ये डबल फायदा ढूंढ रहे भैया ये अपने, पहले आओ अपना वजन बढ़ाओ फिर ये वजन कम कराएंगे। तो मैं पूछ रही थी ये नाना नानी किचन मतलब कहाँ से आइडिया आया आपको? मैम मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को डेडिकेट किया ये, हाँ। असल में उनकी सेकेंड कोविड वेव में डेथ हो गई थी, तो वो मेरे बहुत क्लोज है, हाँ। तो मैंने उन्हीं के नाम पे ही रखा था। तो बचपन से आप नाना नानी के, हाँ, साथ, हाँ, रहे मैं उन्हीं के साथ रहा हूं मैं। तो ये अच्छी चीज है और बहुत यूनिक नाम लगा मुझे नाना नानी किचन, मतलब ये नाम ही इतना यूनिक था कि पूरे लखनऊ में मैंने देखा ये सबसे यूनिक जगह लगी। और उसके अलावा ये सारा आप मैनेज कर रहे हैं? हाँ, मैं मैनेज कर रहा हूं, मेरी एक फ्रेंड भी है, वो भी है, हाँ। वो आज आई नहीं, उसको कुछ काम था। अच्छा, तो ये लोकेशन एक बार बताएंगे हमारे दर्शकों को? ये राजाजीपुरम सी ब्लॉक में सीएमएस के सामने वाली रोड या फिर बर्ड इंटरनेशनल स्कूल के पास भी आप आ सकते हो, वहाँ पर आपको पता चल। तो अभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ है स्पेशल आपके पास? मैम प्लेटर स्टार्ट करने वाले हैं, स्टूडेंट स्पेशल प्लेटर्स होंगे, बाकी जो मेन्यू है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। मेन्यू में क्या क्या है आपके पास? मैम सारे पिज्जा होंगे, जितने पिज्जा होते हैं उसके बेस हम लोग यहीं पे बनाते हैं, और बर्गर्स हैं, सैंडविचेस हैं, पास्ता है, नूडल्स है, प्लेट चिली पोटैटो, हनी चिली पोटैटो, शेक्स, मोहितोस, सब कुछ ही। आज तो लग रहा है भुक्कड़ की ऐश होने वाली है, आप इतनी सारी चीजें बता दिया है आपने, तो हमारे लिए फटाफट कुछ बढ़िया सा खिलाइए जिसको खा के हमारी आत्मा तृप्त हो जाए हमेशा की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी चलते हैं, आप देखते हैं किचन में क्या क्या बन रहा है, चलो। इतना सारा हमारे लिए यहाँ पे नाना नानी इस किचन में खाना, उसके अलावा अभी आया है ये पिज्ज़ा और ये है कोल्ड कॉफ़ी और ये आया है कुल्हड़ पिज़्ज़ा और वो है कुल्हड़ मैगी और ये मोजितो। तो ये शुरू करो, ये दो बुक्कड़ बैठे हैं साथ में आए हैं तो अभी बताएंगे कैसा लग रहा है टेस्ट। और ये भी चल रहा है यहाँ पे आज हमारे साथ, एक और कैमरा अच्छा मिल गया है। अब मैं सोच रही हूँ आईफोन में चेंज ही कर दूँ और बताओ कैसा टेस्ट है। अभी अभी खाने का रिव्यू कर रहे हैं यहाँ पे, खाने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत वेट के बाद आया है वैसे, हमने एक डेढ़ घंटा हमने वेट किया, एक डेढ़ घंटा वेट किया है। खाना बहुत खाना मिला है। अच्छा, गरम गरम मिला पिज़्ज़ा, हमेशा ठंडा पिज़्ज़ा मिलता है ना। आप कुछ को ट्राई कर लो, कुछ तो ज़रा सा, बिल्कुल भी नहीं ट्राई करेंगे ये तो हमसे भी आगे निकले। आपको खाना चाहिए, क्या कहती है जनता? जनता जवाब नहीं चाहती, खाना चाहती। ये देखो कैसे खा रहे हैं, ये देखो चल रहा है इनका पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा कुल्हड़ पिज़्ज़ा। तो मतलब आज नाना नानी इसके किचन में जब आए हो वो इतना ज़्यादा फिटनेस ट्रैक के हैं और तुम भी क्रिकेटर हो के इतना खा रहे हो पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा टेंशन नहीं हो रही है? अच्छा, कल सुबह डाइजेस्ट कर लोगे? ओहो, ये रियल बुक्कड़ होते हैं ऐसे। तो भैया यहाँ का सारा खाना खत्म कर दिया, मज़ा आ गया, अमन कैसा लगा खाना? मुझे खाना तो बहुत अच्छा लगा, सबसे बढ़िया तो मुझे पिज़्ज़ा लगा। हाँ, सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उसमें जैसे उन्होंने फ्रेश पिज़्ज़ा बना के गरम गरम मिला, हाँ। वो काफ़ी यूनिक था और जो डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा मिलते हैं उससे यूनिक भी था और खाने में बहुत अच्छा था। तो ये है बहुत बड़े पिज़्ज़ा लवर, इन्हें पिज़्ज़ा अच्छा लगा, मुझे इनकी कुल्हड़ मैगी बहुत अच्छी लगी, उसके अलावा मोजितो बहुत अच्छा था, यहाँ का कोल्ड कॉफी मतलब पॉकेट फ्रेंडली है, स्टूडेंट्स कॉफी बहुत अच्छी लगी। मैंने नुक्कड़ कैफे में कोल्ड कॉफी पी थी, मुझे उससे भी अच्छी कॉफी यहाँ दी। हाँ, नुक्कड़ कैफे से कंपेयर कर दिया तुमने। चलो खैर, अगर आप यहाँ आना चाहते हो बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में यहाँ आ सकते हो, कम प्राइसेस में आपको
स्टूडेंट प्लेटर में मिल जाएगा। यहाँ स्विगी जोमेटो भी है, तो आप इन्हें ऑनलाइन बैठे बैठे कर सकते हो ऑर्डर घर पे। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगी, अगर आपको कहीं पे भी डिलीवरी करानी है, खाना मंगाना है, और अगर आप राजाजीपुरम में रहते हो तो भागते भागते यहाँ चले आओ। और ये है सी ब्लॉक राजाजीपुरम में, नियर CMS के पास में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ज़रूर आइए, स्टार्टअप को सपोर्ट करिए, भैया बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस काम के लिए। तो आओ अपने दोस्तों को भर भर के यहाँ लेके आओ, अपनी फैमिली को लेके आओ। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।